राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो आपसे अभी जो मैं बातें करूंगा वो ये है कि कल मुझे एक भाई मिले जिनका नाम है जलालुद्दीन अंसारी, जो एक साइकिलिस्ट हैं पैरामेडिकल में। तो मेरी कल उनसे भेंट हुई है रास्ते में। वो साइकिलिंग कर रहे थे और अपना टारगेट अचीव कर रहे थे जो भी था। तो मेरी कुछ 1.5-2 मिनट की उनसे बातें हुई हैं। तो वो वीडियो में आप जब देखोगे लास्ट तक तो आपको पता लगेगा, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है तो सेम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उनके बारे में सब कुछ लिख दिया है। तो जो कल मिलने के बाद उनसे मिलने के बाद जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर आई हैं, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी आएगी। देखो, कुछ वीडियो शॉर्ट है लेकिन जो भी उसमें बोला गया है भाई के द्वारा, मेरी जो कन्वर्जेशन भाई से हुई है, वो एक देश के लिए खेलना चाह रहे हैं और देश के लिए खेलते भी हैं। तो बस उनको एक सपोर्ट करना, एक मॉरल सपोर्ट होने चाहिए। कुछ जैसा भी सपोर्ट आप लोग दे सकते हो वीडियो के जरिए, सरकार तक उनके पास एक मजबूत आवाज़ बन के हम लोग पहुँचें। तो भाई प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे मिले, रोक के मैं बात उनसे नहीं कर पाया क्योंकि उनको टारगेट अचीव करना था। तो उन्होंने मुझसे बोला बस कि चलते हुए हम बात कर लेते हैं क्योंकि मेरा कुछ टारगेट है, वो मुझे वहाँ पे उस टाइम पहुँचना है। तो जैसे मैं उनके ऑफिस जा रहा था, जैसे मुझे वो टकराए तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के, क्योंकि वो चीज़ आप ना वीडियो में देख के पता करूँगा, मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं। क्योंकि जब आप वीडियो में देखोगे तब आपको एहसास होगा कि भाई हाँ, कि कुछ मतलब है दुनिया में। जो बहाने वहाने लोग मारते हैं वो सब बेकार है। दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और भाई तो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और जो बातें हुई हैं उनको ज़रा ध्यान से, उनको साउंड की कुछ एयर साउंड के साथ में कुछ बाइक बाइक की आवाज़ या जो भी कुछ आ रहा होगा उसे इग्नोर मार देना। जो भी हो बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरे देखना और भाई को सपोर्ट करो क्योंकि भाई देश के लिए खेल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ओके भाई, नाम क्या है? जलालुद्दीन अंसारी भाई, बहुत बड़े मतलब आपको देख के ना हिम्मत आती है लोगों में यार। जी बिल्कुल भाई, गजब कर दिया आपने कसम से। कहाँ जाओगे? मैं भी सराय काले खान जाऊंगा। और कहाँ से आ रहे हो? सराय काले खान से। अच्छा, वहाँ गया था मुरारी चौक। अच्छा, और मुरारी चौक से आ रहा हूँ। तो डेली रूटीन है आपका? यस। अरे भाई सलाम है यार भाई आपको, यार लगे रहो भाई अपने काम पे यार, बहुत अच्छा लगा यार देख के। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोगों को ये साले बहाने मारते ना लोग, कुछ करना नहीं चाहते, आपसे सीखना चाहिए भाई। सीखना तो चाहिए बिल्कुल भाई, बात है ना। लेकिन इंडिया में है ना, हाँ कम से कम बड़े पदाधिकारी होते हैं ना, हाँ, उन लोगों को ध्यान भी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो आपकी कोई लोग मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी मेहनत अगर जाया चली जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुख होता है भाई साहब। नहीं, बहुत बढ़िया भैया। अच्छा ये बताओ, आपका कोई टारगेट है क्या टाइम का वहाँ पहुँचने का? जी बिल्कुल। अच्छा भैया सॉरी, मेरी वजह से लेट तो नहीं हो रहे? 85 की एवरेज निकालनी है मुझे। अरे अरे चलो भैया ठीक है, कीप इट अप। ओके थैंक यू भैया। भैया का भाई बहुत बढ़िया लगा इनसे मिलके कसम से यार। देखो अभी साउंड तो एयर साउंड आ रही होगी, लेकिन यार देखो भैया का यार जज्बा देखो आप, ये तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो भैया इन्हें सपोर्ट करना आप सब, ठीक है? ओके ये देख रहे हो भैया, इसे कहते हैं जज्बा और टैलेंट। भाई मस्त, एक नंबर। मैं तो फैन हो गया भाई का भाई। अरे जज्बा चाहिए दुनिया में यार, कुछ भी हासिल हो सकता है कुछ भी। इन्हें कुछ करना ही नहीं ना जिंदगी में, बहाने ढूंढते हैं भाई।